तो स्टीवर्ड में क्या काम होता है इधर? इधर होता है डिश वॉशिंग, ग्लास क्लीन और ये वाला वेलकम ड्रिंक, अरबिक कॉफी। अच्छा, सारा इधर डिश वॉश एरिया ही है? तुम लोगों का ड्यूटी कितने आवर्स का होता है? 12 आवर्स। कहाँ से हो आप? मैंने बांग्लादेश से आया। यहाँ सऊदी में कितने साल हो गए? मेरा 2 साल हो गए ऑलरेडी, 2 साल फिनिश। तो यहाँ पे जॉब जैसे मिला तो वो कैसे मिला था? ये मिला एजेंसी पे मिला, मेरा एजेंसी, मैंने ये कंपनी को भेजा। अच्छा। मैंने कंपनी पे बॉक्स पे सेल कर दिया, इधर ही काम करता है। अच्छा, तो ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है, ज्यादा हार्ड वर्क है या इजी है? पहला था जो नाइट शिफ्ट है वो बहुत हार्ड है, लेकिन अभी थोड़ा बेस्ट मतलब अभी कोई बिजी नहीं होता है। अभी बिजी नहीं होता, नाइट शिफ्ट बहुत बिजी। अच्छा, केमिकल में कैसे कैसे यूज करते हैं मशीन में? मशीन में फर्स्ट वॉश करता है साबुन से, बाद में धोते, बाद में मशीन से डालेगा, बाद में दो हीटर दो पे ऐसा डाल देगा तो उधर ही क्लीन होता है, बाद में सुखाता है, इधर रखता है। अच्छा, बाद में उधर रखता है, वाइप करके रखते है। तो मतलब बांग्लादेश से जब जॉब मिला था तो इंटरव्यू हुआ था? इंटरव्यू नहीं हुआ, अभी इधर हुआ। अच्छा, इधर इंटरव्यू हुआ था। रियाद हुआ, जो कंपनी लिया वो कंपनी इंटरव्यू लिया। टोटल सऊदी में कितने साल हो गए? 2 साल हो गए मेरा। इससे पहले भी कोई कंट्री में आपने काम किया? नहीं, मैंने पहला था पढ़ा लिखा करा। अच्छा अच्छा, अभी आपका एज तो बहुत कम लग रहा, कितना एज होगा? मेरा 20 साल हुआ। इतने कम उम्र में बांग्लादेश से यहाँ आगे पैसे कमाने के लिए? तो वही तो होता है ना, सब बंदा को लाइफ एक नहीं होता है ना। और यहाँ पर जब जैसे सैलरी जो मिलता है वो टाइम से मिल जाता है? हाँ, टाइम से मिलता है, कभी 4-5 साल मिल जाता है। और आप लोगों का जो खाना वगैरह है वो कैसे आप खुद बनाते हैं? खाना तो मैंने, मेरा खाना का पैसा दे देता है, मैंने बंदा ही खाना पका के खाता है। तो आपका 12 घंटे ड्यूटी में कितना सैलरी देता है? मेरा तो 1600 मिलता है। तो ये बांग्लादेश का कितना सैलरी हो जाता है? ये बांग्लादेश का 40,600। अच्छा, 46,000। ओके, चलो, अच्छा है, वेरी गुड।